हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। फिफ्थ क्लास का ईवीएस का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। इसमें जो आर्यनाथ नाम का जो बच्चा है वो अपने दादाजी से बात कर रहा है और कह रहा है कि सम टाइम व्हेन सम फार्मर्स वुड कम रनिंग फॉर हेल्प शाउटिंग स्नैक स्नैक आई वुड कैच द स्नैक। यानी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब किसान दौड़कर आता और मदद के लिए चिल्लाता सांप सांप, तब क्या करते थे हम, मैं उस सांप को पकड़ लिया करता था। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नैक वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। यानी मैंने जो ये सांप पकड़ना है ये मैंने बचपन में ही सीख लिया था। ओ दूज वर द गुड डे, यानी वो बहुत अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, हम बहुत सारे लोगों की मदद कर पाते थे। वी ऑल्सो एंटरटेन दैम, यानी हम उनका मनोरंजन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टुडे, आज के दिन के जैसे नहीं, व्हेन एवरीवन वॉच टीवी फॉर एंटरटेनमेंट, आज के समय के जैसे नहीं कि आज एंटरटेनमेंट के लिए या मनोरंजन के लिए लोग क्या करते हैं, सिर्फ टीवी का सहारा लेते हैं। व्हेन आई ग्रू ओल्डर माय फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ फैंग्स, ही ऑल्सो टॉट मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नैक्स माउथ। यानी यहाँ पर क्या बता रहा है कि मेरे पापा ने मुझे जो सांप होता है उसके जो जहरीले पॉइजनस जो टीथ होते हैं उनको निकालना सिखाया, और मुझे ये भी सिखाया कि जो स्नैक होता है उसकी जो जहरीली नली होती है, जो ट्यूब होती है, उसको कैसे बंद किया जाता है। वॉट कैन वी डू, आर्यनाथ, योर फादर यूज़ टू ट्रेवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज यंग चाइल्ड। यानी यहाँ पर आर्यनाथ के दादाजी क्या बता रहे हैं कि जब तुम्हारे पापा छोटे थे तो मेरे साथ क्या करते थे, गाँव गाँव घूमा करते थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बींग टॉट। यानी यहाँ पर उनके दादाजी बता रहे हैं, आर्यनाथ के दादाजी बता रहे हैं कि तेरे पापा ने या तुम्हारे पापा ने मेरे बिना सिखाए ही क्या कर लिया था, बीन बजाना सीख लिया था, मतलब अपने आप उन्होंने सीख लिया था। दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट, आज के दिन बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैच द वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप दैम। यानी आज गवर्नमेंट ने या सरकार ने क्या रूल बना दिए हैं कि कोई भी जो वाइल्ड एनिमल है उनको पकड़ नहीं सकता और उनको अपने साथ नहीं रख सकता। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइस। यानी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उन एनिमल्स को मार देते हैं और उनकी जो स्किन होती है उसको बेचकर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दीज, और इन्हीं लोगों के खिलाफ ये नियम बनाया गया है। नाउ विद दीज लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड। यानी यहाँ पर बताया है कि अब ये जो कानून बनाया है ऐसे में हमारी जो रोजी रोटी है वो कैसे चलेगी। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नैक एंड सोल्ड देयर स्किन, हम लोग ना तो स्नैक्स को मारते हैं और ना ही उनकी स्किन बेचते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, पीपल से दैट वी कीप द स्नैक्स इन अ बैड कंडीशन। यानी लोगों का क्या कहना है कि हम लोग जो स्नैक होते हैं उनको बहुत बुरी दशा में रखते हैं, बट ऐसा नहीं है। इफ वी वॉन्ट टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाई किलिंग स्नैक, हम लोग चाहते तो सांप को मारकर बहुत सारे पैसे कमा सकते थे, बट हमने ऐसा नहीं किया। बट वी वुड नेवर डू दैट, स्नैक्स आर आवर ट्रेजर्स। यहाँ पर ट्रेजर्स का मतलब होता है हमारी पूंजी है, क्या होगा यहाँ पर मतलब पूंजी। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम लोग स्नैक्स को नहीं मारते हैं क्योंकि वो हमारी पूंजी है,
दैट वी पास फ्रॉम ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसलिए हम क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इनको क्या करते हैं, एक दूसरे को सौंपते रहते हैं। वी इवन गिफ्ट स्नैक टू आवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड। और हम अपनी बेटियों को शादी में क्या करते हैं, ये स्नैक तोहफे में देते हैं। इन आवर कार्बेलियाज डांस, कार्बेलिया डांस, वी ऑल्सो हैव मोमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ स्नैक। यानी जो कार्बेलिया डांस होता है उसके अंदर जो स्नैक का डांस होता है उसकी बहुत सारी मूवमेंट होती हैं। मतलब जैसे कार्बेलिया डांस की जो पोजिशन होती हैं, जो अवस्थाएँ होती हैं, उन जैसी अवस्थाएँ, वो जो अवस्थाएँ होती हैं वो किसकी जैसी होती हैं, स्नैक के डांस में जो अवस्थाएँ होती हैं उस जैसी होती हैं। आर्यनाथ टू यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ योर सेल्फ। यहाँ पर दादाजी क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें अपने लिए अलग जीवन शैली अपनानी पड़ेगी अपनी। यू हैव गॉड फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन। आपके तुम्हारे पास तुम्हारे पापा का दिया हुआ तोहफा है कि तुम्हें बीन बजानी आती है। यू एंड योर कज़न कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। यानी तुम और तुम्हारे जो कज़न्स हैं वो क्या कर सकते हो, बीन पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हो और एंटरटेन कर सकते हो। नेक्स्ट, बट डू नॉट वेस्ट दीज नॉलेज अबाउट स्नैक यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। तुमने जो अपने बड़ों से जो नॉलेज ग्रहण किया है या जो जानकारी प्राप्त की है उसको तुम वेस्ट मत करना, और शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नैक विथ चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन एंड सिटीज़। तुम्हें गांव और शहरों में जो रहने वाले बच्चे हैं उनके साथ तुम्हें अपनी ये नॉलेज शेयर करनी है, जो स्नैक के बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत जानकारी है वो। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्क्रेड ऑफ स्नैक। उनको तुम्हें ये बताना होगा कि तुम स्नैक से डरो नहीं। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नैक। और उनको तुम्हें जो पॉइजनस स्नैक होते हैं उनको पहचानने में उनकी मदद करनी होगी। टेल देम हाउ स्नैक आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। यानी उनको ये भी बताना होगा कि जो स्नैक होते हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, ईट द रैट्स इन द फील्ड। जो खेत होता है उसके अंदर रैट्स को खाते हैं। अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप। अगर जो रैट है उसको स्नैक नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो क्रॉप है उसको रैट्स खा जाएंगे। नाउ टेल आवर स्टोरी। और उनको नाउ यू टेल आवर स्टोरी, तुम उनको अपनी स्टोरी सुनाना। ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ, तुम अपने जीवन की एक नई कहानी लिखो या बनाओ। टू टेल आवर टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रंस, तुम अपने पोते पोतियों को वो कहानी सुनाना। यहाँ पर ये दादाजी इसको बता रहे हैं। हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज़।